हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की लंच थाली कुछ स्पेशल है, जिसमें मैं आलू गोभी मटर और सहजन की मस्त सब्जी बनाऊंगी अपने यूपी स्टाइल में, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा मेरी रेसिपी। और ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने एक गोभी ले लिया है, सहजन ले लिया है, और एक बड़ा आलू, और ये देखिए फ्रोजन वाले मटर हैं, और टमाटर, अदरक, मिर्ची, लहसुन और धनिया पत्ता सबको ले लिया मैंने। और देखिए, गोभी को अच्छे से मैं चेक कर ले रही हूँ कहीं कीड़े ना हो, अच्छे से काट लूँगी इसको। और ये देखिए, पानी में मैं 5 मिनट के लिए इसे नमक डाल के भिगो के रख दूँगी, ताकि कीड़े वगैरह हो तो सब निकल जाए। और इधर देखिए, एक बड़ा आलू ले लिया मैंने, इसको 4 भाग में मैं काट लूँगी, और इसको कुकर में 2 सीटी तक आने तक मैं इसको बॉईल कर लूँगी मटर के साथ। ये फ्रोज़न वाले मटर हैं, आपके पास हरा मटर है तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें और टेस्टी बनेगा। इसे 2 सीटी तक लगने तक मैं गैस पे रख दी हूँ। और ये देखिए, सहजन ले लिया है मैंने 4, ये 20 रुपये का 4 मिलता है। आप इसे क्या बोलते हैं, हमारे इधर सहजन मुनगा बोलते हैं। इसे देखिए, मैं बारीक वो छोटा छोटा काट के और उसके बाद से छील के पानी में डाल दूँगी। और इधर मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। लहसुन को छील के अदरक भी काट लेती हूँ छोटा छोटा, और 2 टमाटर भी ले लिया है मैंने, मिर्ची ले लिया है 8-10 मिर्ची लिया है, आप अपने तीखे के अनुसार रख सकते हैं मिर्ची। और इन सबको मैं मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लूँगी। इस तरीके से पीस के ना बनाएंगे दोस्तों ना, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, और ग्रेवी जो है ना गाढ़ी गाढ़ी होती है। इधर देखिए, कड़ी पत्ता भी लिया मैंने, धो के रख लूँगी, सारी सब्जियों को निकाल लूँगी, और 1 टमाटर इसमें मैं ऊपर से काट के डालूँगी। और इधर देखिए, साथ में मेरा आलू बॉईल भी हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, मटर का जो कलर था ना वो निकल गया है, क्योंकि ये फ्रोज़न वाले मटर होते हैं। इसे छील लूँगी मैं, छील के रख लूँगी अच्छे से। इधर आलू को भी छील के रख लूँगी मैं। गैस को चालू कर दिया है मैंने, कढ़ाई रख लूँगी, और थोड़ा सा सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दूँगी, और इसमें जो गोभी और सहजन है ना उसको अच्छे से मैं भून लूँगी 2 मिनट के लिए। ऐसे भून जाता है सब्जी तो बड़ा टेस्ट आता है, और जल्दी भी हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, भून चुका है, लाल हो गया है गोभी और सहजन, इसको मैं निकाल लूँगी थाली में। इधर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ले लूँगी मैं, राई का ही तेल है, और फ़ोरन डाल दूँगी, 1 सूखी लाल मिर्च, 5 फ़ोरन, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, दालचीनी डाल के मैं तड़का लगा दूँगी। उसके बाद से जो मसाले मैंने मिक्सर में पीसे थे उसको डाल दूँगी, साथ ही में से हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च और सब्ज़ी मसाला, और ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला मैंने, और इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए भूनने दूंगी। थोड़ा सा मिक्सी जार में पानी डाल के इसमें डाल दूंगी, ताकि पकता रहे मसाला अच्छे से, जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला को भून देंगे। और इधर देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ दिया है, चला लूँगी अच्छे से मैं। ये देखिए, कितना अच्छा से मसाला पक गया है। इसमें मैं अब सारी सब्जियों को डाल दूँगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, मेरी आलू गोभी सहजन की जो सब्ज़ी बनाई है मैंने, वो कैसी लगी आप लोगों को। और ये मेरी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे चावल, रोटी, पूरी किसी के साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, अच्छे से मैं मिला लूँगी मसाले को, चला लूँगी 2 मिनट के लिए, भून लूँगी साथ में,
उसके बाद एक टमाटर ऊपर से मैं ऐसे काट के रखी, क्योंकि वो सब्जी में जो खड़े खड़े टमाटर आते हैं ना, थोड़े सॉफ्ट थोड़े खड़े, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। इसके लिए ऊपर से एक डाली हूँ मैं। और अच्छे से देखिए मसाले में ये सब्जियाँ भुन गई हैं। अब मैं थोड़ा ही पानी डालूँगी इसमें दोस्तों, कप एक गिलास और आधा गिलास ही डालूँगी, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ ऑलरेडी पकी हुई हैं और भून भी गई हैं। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आपको जितना रस्सा चाहिए। मैं थोड़ा गाढ़ी वाली ही बनाऊँगी चावल के साथ खाने के लिए, पूड़ी के साथ खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। इधर धनिया पत्ता को धो के मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये देखिए सब्जी को मैं बीच बीच में चला ले रही हूँ अच्छे से, कितना सुगंध आ रहा था दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। इधर बिटिया रानी के लिए थोड़ा सा आटा लगा के मैं पूड़ी बेल ले रही हूँ, उनको अच्छा लगता है। साथ में ही सब्जी के साथ इसे सर्व करूँगी। इधर सब्जी बन के रेडी हो गई है दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों। ये देखिए इसमें धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर दूंगी, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था सब्जी का। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे रेसिपी आप लोगों के लिए ले आऊँ। और इधर देखिए मैं चावल निकाल लेती हूँ, थाली लगा लेती हूँ, और सब्जी भी रख दिया है मैंने साइड में, और दो चार पूड़ी भी रख दिया है, पापड़ दही और मिर्ची के साथ। ये देखिए आज की लंच थाली रेडी है आप लोगों के लिए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी मेरी थाली दोस्तों। बाय बाय।